एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जा रहा हूं, डिफेंस में कोई सा भी स्टॉक चुनिए, सब अच्छे रहेंगे। एचएल मुझे हमेशा से पसंद इसीलिए आता है कि मुझे लगता है ये बहुत नेसेंट स्टेज पे अभी भी है। इसी तो कहानी, अब स्टॉक की चाल देखेंगे सालों से तो मल्टीबैगर बन गया है, पर लॉजिकली समझेंगे तो अभी तो ऐसा लगता है बहुत नेसेंट स्टेज पे है। इतने सालों से कुछ नहीं हुआ था, अब सब कुछ पिकअप होना शुरू हुआ है। हम जो आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट्स पे थ्रस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़े वर्जिन मार्केट्स हैं जो अभी भी एक्सप्लोर करने हैं। डोमेस्टिकली बहुत कुछ ट्रैक्शन पिकअप होना है। मैं एचएल के साथ कंफर्ट के साथ इसके साथ बना रहना चाहूंगा, ये अच्छी पेडिग्री होगी। तीसरे बैंक्स में लॉजिकली तो मुझे रखना चाहिए था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भाई सरकारी बैंक्स भी अच्छा करेंगे आज, पर मैं पहले रख रहा हूं आईडीबीआई बैंक, एक डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट। अनफिनिश्ड इकोनॉमिक एजेंडा मोदी 2.0 में डिसइन्वेस्टमेंट सबसे पहले आता है। वैसे दबी जवान में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट इस जो बजट आया था इंटर बजट से हटा दिया था, कोई आंकड़ा नहीं दिया गया था, तो साइलेंटली वो प्रोसेस चलेगा। और सबसे कॉला कॉला कहते हैं ना, एकदम तैयार जो बैठा है वो यही है आईडीबीआई बैंक। दो और थे, कौन से होंगे, इफ्स एंड बट्स पे नहीं जा रहा हूं, ये एक्चुअली ओनली बिग होप है दैट इज स्टिल इन प्ले। सरकार और एलआईसी मिलकर मेरे ख्याल से 61% स्टेक बेचना चाहते थे, बिड्स मंगाई थी 2022 अक्टूबर में, ये सबसे ज्यादा तैयार बैठा है, मैं इसके साथ ग्रीन ले रहा हूं। एसबीआई सब सरकारी अच्छा करेंगे, लेकिन ये पहले तीन स्टॉक्स क्योंकि ऐसे ही सरकारी कंपनियों पे ज़्यादा फोकस है और जो जिनको सरकार बनने के बाद काफ़ी उम्मीद है। तो डिफेंस का स्टॉक मैंने बीएल लिया है और मुझे लगता है कि बीएल बहुत वेल पॉइज है और इसने एक अनप्रेसिडेंटेड रैली दी है पिछले एक दो तीन चार साल जब भी आप देखोगे, और इसी तरीके से अगले एक दो तीन चार चार पाँच साल तक ये बहुत अच्छी रैली देगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीएल में ध्यान रखिए क्योंकि ये डिफेंस के मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्ले यहाँ पे होगा। दूसरा स्टॉक है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ समय में नतीजों पे भी किया है, बिजनेस बढ़ाया और इनके मैनेजमेंट से मैंने बातचीत की थी, उनको ऐसा लग रहा था 20-22% की ग्रोथ दिखाएंगे, करंट से डबल ग्रोथ दिखाएंगे और डाइवेस्टमेंट का ये भी एक केस होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टॉक एनएमडीसी रखिएगा। पूरा मेटल प्ले बहुत ज़बरदस्त है लेकिन मुझे उसमें लगता है कि एनएमडीसी सबसे अच्छा प्ले यहाँ पे आपको दिखेगा और इसको फोकस में रखना चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत तेज़ इसमें आने वाली है, तो एनएमडीसी मेरे हिसाब से तीसरा स्टॉक होगा, बेल, कॉनकॉर और एनएमडीसी। बहुत कन्फ्यूजन था, रेलवेज कौन सा उठाऊँ क्या करूँ, प्राइवेट भी था पब्लिक भी था, फाइनली पता मैं चला गया थोड़ा सा अलग रहा मैं। मैंने अब ये सब बड़े ऑब्वियस हैं कि इंफ्रा डिफेंस रेलवे सब अच्छा करेंगे, मैंने प्राज इंडस्ट्रीज चुना, केपेक्स की थीम भी बैठती है,